युद्ध में कब्जे में लिए गए अमेरिकी हथियार ईरान को दे रहा है रूस। ईरान के हाथ यूएस नाटो के हथियार लगने से टेंशन में है पश्चिमी देश। अमेरिका को डर है हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा ईरान, और इसी बात की चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे कि ये टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है जिस तरीके से ईरान और रूस के बीच हथियारों का गठजोड़ हो रहा है। तो बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या अब रशिया को ईरान की तरफ से वो हथियार दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं एक डील के तहत अमेरिका के जरिए ईरान के पास आए थे। ये चर्चा हम इस लिहाज से भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की अभी तक की ये सीक्रेट डील को लेकर सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई जो ईरान और रशिया के बीच में हुई है, उस पर वेस्ट की भी नजर रही है, अमेरिका की भी नजर रही है। लेकिन ईरान जिस इनडायरेक्ट वे में इस पूरे युद्ध के हालात में बड़ी भूमिका निभाता आया है, उसको लेकर क्या आने वाले वक्त में चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्योंकि ईरान का डेंजर अब अमेरिका का क्या ये फियर बनता जा रहा है? यूएस नेटो के कब्जे के लिए हथियार ईरान को रूस दे रहा है, और पश्चिम मीडिया की ये रिपोर्ट्स बड़े दावे कर रही है कि अमेरिका का डर बढ़ता जा रहा है, हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान की तरफ से अब की जा सकती है। महत्वपूर्ण ये भी है कि ईरान TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग पहले ही कर चुका है, और TOW को ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर ईरान ने अब तूफान में बदल दिया है। इस बीच रूस के कब्जे में जैवलिन और स्ट्रिंगर जैसे घातक अगर हथियार अमेरिकी हथियार आ जाते हैं तो क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यूएस नेटो हथियारों के इस्तेमाल इजराइल पर भी ईरान अब कर सकता है। जिस डील को लेकर हमने चर्चा की उस पर भी हमारे एक्सपर्ट से सबसे पहले कहा कि अगर ईरान के पास कोई भी लीथल वेपन्स या किसी भी तरीके से बड़ी टेक्निक आज के वक्त में हाथ लगती है तो जाहिर सी बात है वो इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। मेरा सवाल भारद्वाज सर आपसे है कि अमेरिका की चिंता तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही इस हालात में, क्योंकि रशिया और ईरान की ये डीप स्ट्रेंथन होते जा रहे टाइज, अमेरिका की नजर तो उस लिहाज से भी बहुत जरूरी थी क्योंकि यही वो ईरान के ड्रोन थे जो अमेरिकी हथियारों का युद्ध के इस हालात में कड़े तरीके से मुकाबला कर पाए। बिल्कुल, देखिए सुरभि, दो तीन बातें मेरे को आप बताने दीजिए। पहली बात कि आप जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं रशिया और ईरान के बीच में, या उसको डिफेंस मैनोवरिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे उसके हथियारों की पहचान ईरान करेगा। देखिए बात है कि अब ये दुनिया में एक बहुत बड़ा रीअलाइनमेंट हो रहा है, जो अमेरिका के अपने दोस्त हैं वो भी थोड़ा पीछे हटते नजर आ रहे हैं। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ सऊदी अरबिया, जो ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डील हो रही है वो एक तरीके से झटका है अमेरिका को मिडिल ईस्ट में, और वहां पर मजबूत कौन हो रहा है? वो ईरान हो रहा है, और ईरान के पास में टेक्नोलॉजी देने के लिए दो कंट्री बहुत मजबूत है, एक चीन है और एक रशिया है। रशिया का आप देखिए कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, वो अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। तब से रशिया और ईरान के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बहुत मजबूत हुआ है, ट्रेड मजबूत हुआ है। दूसरी बात कि चीन जिस तरीके से भूमिका निभा रहा है यहाँ इस मिडिल ईस्ट में, वो एक बहुत बड़ा चेतावनी है अमेरिका को। अब अमेरिका कैसे डील कर, क्योंकि अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से अब वो इंडो पैसिफिक रीजन में, या आप ये कहिए कि क्वाड और इसकी तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है चाइना को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है कि जो एक कॉपरेशन रशिया चीन और जो मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरबिया को साथ ले लेते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा वेस्टर्न वर्ल्ड और आप ये कहिए लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए होने जा रहा है, जो कि चिंता का विषय होगा। बिल्कुल, और जिन दो धड़ों का हम जिक्र करते हैं दोनों ही धड़े अपनी अपनी ताकत बढ़ाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।